नमस्कार, आप जो रहा छो 100 न्यूज शुरुआत करिए। आज मुख्यमंत्री रूपाणी, नितिन पटेल, जीतू वाघाणी सहित नेताओं दिल्ली जैसे भाजपनी चूंटनी प्रचार बैठक में रहते उपस्थित। विधानसभा चूंटनी में प्रदेश भाजपनी टीम करते प्रचार। 20 जानुआरी राष्ट्रीय अध्यक्ष वरणी बैठक में भाग लेते। जूनागढ़ में सरकारी ऑफिस पटावाड़ाए करी आत्महत्या। बहुमाड़ी भवन में गड़े फांसो लगावी आपघात कर्यो। पुत्र ने एलआरडी मेरिट लिस्ट में अन्याय थता पगलू भरिया सुसाइड नोट में उल्लेख। जूनागढ़ में एलआरडी परीक्षा में अन्याय की लागण थी आधेड़ आपघात मामलो। सौराष्ट्र भर धर्मगुरु भुवाताए नातीना आगेवानों साथे करी बैठक। मृतक बन्ने दीकराओं ने 24 कलाक में नौकरी आपवानी मांग। सुसाइड नोट में जिमना नाम छे तेमनी सामे फरियाद नोंधवानी मांग कराई छे। मांगणीओ नहीं स्वीकाराय त्यां सुधी मृतदेह स्वीकारवानो कर्यो इनकार। शनिवारे मालधारी समाजना लोकोने जूनागढ़ आवा आह्वान कर्यु। जूनागढ़ में एलआरडी में अन्याय की लागण थी आपघात मामले मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए व्यक्त करी संवेदना। आ घटनाक्रम में योग्य तपास ने आपी बाहें धरी। एलआरडी भर्ती विवाद ने लईने कांग्रेस धारासभ्य पूजा वंशे सीएम ने लख्य पत्र। अनामत ने जूनी जोगवाई मुजब भर्ती करवा मांग। नवा ठराव थी एससी एसटी ओबीसी ने अन्याय थयो होवानो उल्लेख। एलआरडी भर्ती प्रक्रिया मामले बनासकांठा और पाटणना सांसदे मुख्यमंत्री ने पत्र लख्य। ओबीसी एससी एसटी महिला उम्मीदवारों ने अन्याय की करी फरियाद। भाजपना ज बे ओबीसी सांसदों पत्र थी गरमायो राजकारण। एलआरडी मेरिट विवाद ने लईने एसपीजी लालजी पटेल मैदाने। लालजी पटेले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लख्य पत्र। वर्तमान नेताओं जातिवादी राजनीति कर रहा होवानो आरोप। सुप्रीम ने गाइडलाइन होवा छता ठराव रद्द करवा रजूआत करे। बिन अनामत वर्ग विद्यार्थियों हित जलवाय ते जरूरी छे। अनामत परिपत्र मामलो बधु पेचीदो। 1 ऑगस्ट 2018 जीआर रद्द न करवा मांग। लालजी पटेल साथे बिन अनामत वर्ग की महिलाओं पर कर्मयोगी भवन में बिन अनामत आयोग ने करी रजूआत। लोकरक्षक दल की परीक्षा में अन्याय आरोप मामलो सतत 39 दिवसे गांधीनगर में महिलाओं धरना। ओपन कैटेगरी में आरक्षण आप तो सरकार 1 ऑगस्ट 2018 जीआर रद्द करने मांग। राज्य में छाशवारे पड़कारता दारू मुद्दे बोलिया मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। कहू गुजरात में दारूबंदी है एटले दारू पकड़ाय छे, बीजा राज्य में नहीं दारूबंदी। सूरत शहर कांग्रेस माळखू विखेरायू। तात्कालिक असर थी शहर कांग्रेस माळखू विखेरायू। प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा की सूचना की कार्यवाही। अचानक माळखू विखेराता अनेक तरफी तर्क। अमदावाद महानगरपालिका ड्राफ्ट बजेट रजू। म्युनिसिपल कमिश्नरे वर्ष 2020-21 माटे 4,900 करोड़ रूपया ड्राफ्ट बजेट कर्यु रजू। गत वर्षे 7,509 करोड़ करायु हतु ड्राफ्ट बजेट। एएमसी वर्ष 2020 वार्षिक बजेट सामे कांग्रेसे नोंधाव्यो विरोध। विपक्ष नेता दिनेश शर्माए कहू 244 करोड़ करवेरो मंदी समस्या योग्य नहीं। नगरजनों मंदी की समस्या में केवी रीते करवेरो भरशे। बजेट परत नहीं खेंचाय तो विपक्ष आंदोलन करशे। ड्राफ्ट बजेट मुद्दे विजय नेहरा ने वीटीवी साथे बातचीत। कहू विकासना काम माटे रजू करायु बजेट। बजेट में फूटपाथ रोड स्कूल हॉस्पिटल तमाम बाबतों करायु आयोजन। अमदावाद में एबीवीपी और एनएसयूआई वच्चे थयेला घर्षण मामलो हाईकोर्ट में पहुंचो। एनएसयूआई ना महामंत्री निखिल सवाणीए पोलीसे फरियाद न लेवाना आक्षेप साथे हाईकोर्ट में करी अरजी। समग्र मामले एसआईटी की रचना करवा मांग। सूरत मनपा डॉक्टर खानगी प्रेक्टिस करता झड़पाया। मनपा ने विजिलेंस की टीम की रेड दरमियान एमबीबीएस डॉक्टर जयेश राणा खानगी प्रेक्टिस करता झड़पाया। कारपुल पास प्रगति क्लिनिक में काम करता था प्रेक्टिस। अमदावाद में शाहपुर में असामाजिक तत्वों आतंक। पार्किंग बाबते झगड़ो थता तलवार और हथियार थी हुमलो। मारामारी ना सीसीटीवी आया सामे। मारामारी में 6 जेटला लोग घवाया। बन्ने पक्षे सामसामे फरियाद करी। सूरत में तक्षशील अग्निकांड मामले एसएमसी अधिकारी पराग मुंशी ना जामीन न मंजूर। सुप्रीम कोर्टे पराग मुंशी की जामीन अरजी फगावी। तक्षशिला बिल्डिंग में ट्यूशन में आवेला 22 विद्यार्थियों थया हता मौत। राजकोट में 2008 में कलेक्टर कचेरी में तोड़फोड़ थयानो मामलो। भाजपना बे नेताओं की सजा मौकूफ। अगाउ राजकोट सेशन्स कोर्टे भाजप कांग्रेस 12 आरोपियों ने 1 वर्ष की सजा कर्यो हतो आदेश। सूरत में कतारगाम में रूपया 3 करोड़ 1300 कैरेट हीरा की चोरी। एचवीके डायमंड कंपनी में बॉइल करवा माटे हीरो लवायो हतो। कारीगरों हीरा की चोरी कर्यानो आरोप। पोलीसे हाथ धरी तपास। आणंदना ओड गामे 8 तोला सोनू लईने गठियो फरार। पटेल परिवारे गठियाने 8 तोला सोनू धोवा माटे आप्यो हतो। जे दरमियान गठियो महिलानो ध्यान चूकी फरार थई गयो। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद।
वडोदरा महानगरपालिका में एडवांस नाणा कौभांड, अधिकारी एडवांस नाणा लईने हिजाब न आपता होवानो आरोप। छेल्ला 10 वर्ष में 49 करोड़ रूपया हिजाब नहीं थयो जमा। वडोदरा सेंट्रल जेल में मोबाइल मळवाना केस में अजय राजपूत नामना आरोपी की धरपकड़। जेल में चोरी छुपी थी सीम कार्ड लई गयो होवानो खुलासो। हत्याना गुना में 6 महीना पहला ज आरोपी छूट्यो हतो। द्वारका नगरपालिका प्रमुख जीतूभा माणेक की धमकी मामलो। देवभूमि द्वारका जिला पत्रकारों एसपी कचेरी एकठा थया। पत्रकारों एसपी कचेरी नगरपालिका प्रमुख सामे ठालव्यो रोष, गुनो नोंधवा मांग। नागरिकों स्वास्थ्य साथ चेड़ा वधु एक वीडियो। अमदावाद पालड़ी में जाहिर शौचालय में रसमलाई तैयार थती होवानो वीडियो वायरल। गोपी स्वीट मार्ट की मिठाई तैयार थती होवानो दावो। साबरमती जेल में खंडणी नेटवर्क मामले तपास धमधमाट। गैंगस्टर विशाल गोस्वामी की बैरेक बदलाई। विशाल गोस्वामी ने हाई सिक्योरिटी जोन में खसेड़ाओ। सशस्त्र गार्डन की नजर हेठ रहेशे। गुजराती सिंगर जिग्नेश कविराजे साइबर क्राइम में नोधावी फरियाद। कोई फेक अकाउंट बनावता कविराजे फरियाद नोधावी। फेक अकाउंट में चाहकों मित्रों साथ खोटी बात कर आरोप। गुजरात केडर आईपीएस की सीबीआई में नियुक्ति कर आईपीएस मनोज शशिधर की सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर पदे नियुक्ति कराई। मनोज शशिधर 1994 की बेंच आईपीएस अधिकारी है। मोरबी ठीकरियाड़ा नजीक थे फायरिंग मामलो। जमीन मापणी करवा गये टीम पर करायु फायरिंग। फायरिंग में इजाग्रस्त युवा ने नोधावी फरियाद। महंत वीरजी भगत सहित 8 शख्सों सामे फरियाद। आणंद युवती केडा में मौत मामले केनेडा पुलिस युवती पूर्व पति विरुद्ध जारी कर वॉरंट। युवती मौत नो भेद 2 दिवस में उकेलाशे। हत्या में पूर्व पति राकेश पटेल की भूमिका होवानी शंका। सूरत गोड़ादरा में दुष्कर्म मामले कोर्ट में डेथ वॉरंट में अरजी कर दुष्कर्म मामले कोर्टे आरोपी ने फांसी की सजा आपी है। सजा बाद डेथ वॉरंट में अरजी कराई है। आरोपी अनिल यादवे निर्दोष बाड़की ने शिकार बनाई थी। सूरत सचिन होचीवाला स्टेट में युवक की हत्या मामलो। हुमला बाद युवक लोहीलुहान हालत में मांगते रहो मदद। युवक ने कोई मदद करवा न आवी। सीसीटीवी में मदद की पुकार स्पष्ट। सूरत में फरी एक बार मानवता शर्मसार। पनास विस्तार में कचरा पेटी में मड़ी त्यजी आवेली बाड़की। स्थानिक महिलाएं सिविल हॉस्पिटल में बाड़की ने पहुंचाड़ी। बाड़की शरीर पर वीटाया था पतंग ना दौरा। जामनगर में सीएए समर्थन में विशाल रेली आयोजन। बेनरो और सूत्रोच्चार साथ रेली प्रस्थान। संतो महंतो धार्मिक और सामाजिक संस्था सहित मोटी संख्या में शहरीजनों जोड़ाया। बनासकांठा वावना राधानेसला कुंडाड़िया में फरी तीड़ आक्रमण। सरहदी विस्तार में फरी तीड़ आता खेडूत में चिंता। अंदाजे 3 किलोमीटर अंतर में दिखायु तीड़ झूंड। राजकोट 26 जान्युआरी की राज्यकक्षा उजवणी की तैयारी। राजकोट नवा रेसकोर्स मैदान में एर शो रिहर्सल। 26 जान्युआरी पावर पेरामोटर थी 5 पेरामोटर पायलट कराश करतब। आकाश में 500-700 फूट ऊंचे कराशे अवनवा करतब। केंद्र सरकारे गुजरात ने आपी सौथी मोटी भेट। अमदावाद मुंबई वच्चे तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री रूपाणीए ट्रेन ने आपी लीली झंडी। सामान्य जनता 19 जान्युआरी थी तेजस ट्रेन में करी शकशे मुसाफरी। ट्रेन मात्र 2 ज स्टेशन वडोदरा ने सूरत उभी रहेशे। ट्रेन यात्रिकों ने मळशे 25 लाख नो वीमो। तेजस ट्रेन सप्ताह में 6 दिवस दौड़े। अमदावाद थी सवारे 6:40 कलाके ट्रेन उपड़े। मुंबई पहुंचते 1:10 कलाके तो साथ त्यांथी 3:40 कलाके ट्रेन अमदावाद आवा निकलशे। जे रात्रे 9:55 कलाके अमदावाद पहुंचे। तेजस ट्रेन में फ्लाइट जेवी सुविधा आपवामां आवशे। तेजस ट्रेन सीसीटीवी केमेरा थी सज्ज छे। साथ ट्रेन में वाईफाई सुविधा पण आपवामां आवशे। ट्रेन ना दरवाजा पण ऑटोमेटिक छे अने तेजस ट्रेन 160 किलोमीटर नी स्पीडे दौड़े। अमदावाद मुंबई वच्चे तेजस ट्रेन की शुरुआत। ट्रेन में सवार मुसाफरोए व्यक्त करी खुशी। आ ट्रेन थी झड़पथी मुसाफरी लाभ लई शकाशे तेमज फ्लाइट जेवी सुविधा मळवानी मुसाफरो ने खुशी। गांधीनगर में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सौरभ पटेल, प्रदीपसिंह जाडेजा, मुख्य सचिव, रेलवे बोर्ड चेयरमैन रहा हाजर। तो रेलवे विस्तृतिकरण और वर्तमान प्रोजेक्ट अंगे चर्चा। रेल मंत्री पीयूष गोयल केवड़िया की मुलाकाते। पीयूष गोयले पत्नी साथ एसओयू ने लीधी मुलाकात। रेलवे भवन ना कामगिरी नु कयु निरीक्षण। केवड़िया खाते निर्माण पामी रह्यु छे रेलवे भवन। पीयूष गोयले कहु के केवड़िया थी देश नी तमाम ट्रेन दौड़शे। शटल सर्विस पण चालू करवामां आवशे। फास्ट ट्रेन नी सुविधा पण शुरू कराशे। जमीन मालिकों ने मारी विनंती छे सारा काम माटे अमने सहकार आपे। सूरत रेलवे स्टेशन पर तेजस ट्रेन नो विरोध। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा
હાથમાં બેનર લઈને તેજસ ટ્રેનનો વિરોધ કરાયો. વિરોધ કરનારાઓની પોલીસ અટકાયત કરી. રેલવે મજદૂર સંઘના સેક્રેટરી સહિત 8 લોકોની અટકાયત. વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર પણ મજૂર સંઘનો વિરોધ. તેજસ ટ્રેનને લઈને વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘનો વિરોધ. પોલીસે વિરોધ કરતા 20 જેટલા કર્મચારીઓની કરી અટકાયત. ખાનગીકરણને લઈને વિરોધ. અમદાવાદમાં રેલ કર્મચારીઓ દ્વારા તેજસ ટ્રેનનો કરાયો વિરોધ. ટ્રેનના ખાનગીકરણ સામે રેલ મંત્રીઓ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો. મજદૂર સંઘ અને વેસ્ટર્ન રેલવે યુનિયન, નેશનલ અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ અલગ અલગ રસ્તે. નેશનલ કોંગ્રેસ કેન્દ્ર સરકારના ખાનગીકરણના વિરોધમાં, પરંતુ પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતા ગ્યાસુદ્દીન શેખ, હિંમતસિંહ પટેલ અને રાજ્યસભાના સાંસદ અમીબહેન યાજ્ઞિકે ખાનગીકરણનું કર્યું સમર્થન. અમિત ચાવડાએ ત્રણેયને કરી ટકો. બુલેટ ટ્રેન દ્વારા જમીન સંપાદન અંગેના વિવાદનો મામલો. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય, કેન્દ્ર સરકાર અને રેલવે વિભાગને જવાબ રજૂ કરવા આપી નોટિસ. 21 માર્ચે હાથ ધરાશે વધુ સુનાવણી. ભરૂચ મુલદ ટોલ નાકાથી જાડેશ્વર ચોકડી સુધી વાહનોની કતાર. વડોદરાથી સુરતને જોડતા હાઈવે પર ટ્રાફિક. ફાસ્ટેગ અમલી થતા બાદ ટોલ નાકા પર ટ્રાફિક. ફાસ્ટેગ ન હોવાથી ટ્રાફિકમાં વધારો. અરવલ્લીમાં મોડાસામાં ભેરુંડા ચોકડી પર માઝુમ કેનાલનું પાણી રોડ પર ફરી વળ્યું. કેનાલમાં લીલ અને કચરો ભરાઈ જતા કેનાલ ઉભરાઈ આવી. પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને મુશ્કેલી. કેનાલ ઉભરાતા હજારો લીટર પાણીનો ભીડફાટ. નિર્ભયાના દોષિતો નહીં બચે. 1 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 6 કલાકે અપાશે ફાંસી. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે જાહેર કર્યું દોષિતોનું ડેથ વોરંટ. નિર્ભયા કેસમાં દોષિત મુકેશની પણ ફાંસી નક્કી. રાષ્ટ્રપતિએ ફગાવી દોષિત મુકેશની દયા અરજી. ગૃહ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રપતિને મોકલી હતી અરજી. દોષિત પવનની સુપ્રીમ કોર્ટમાં વધુ એક અરજી. હાઈકોર્ટના ચુકાદાને સુપ્રીમમાં પડકાર્યો. હાઈકોર્ટે ફગાવી હતી સગીર હોવાની અરજી. દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર સૂત્રોનું માનીએ તો નિર્ભયાના માતાએ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો છે. કોંગ્રેસ કેજરીવાલ સામે નિર્ભયાના માતાને લડાવવા માંગે છે ચૂંટણી. નિર્ભયાના માતાનું મોટું નિવેદન કહ્યું. જે લોકોએ 2012માં પ્રદર્શનો કર્યા તે આજે રાજનીતિ કરે છે. રાજનૈતિક લાભ માટે મારી દીકરીના મોત સાથે રમત થઈ. નિર્ભયાની માતાના આરોપ પર કેજરીવાલનો જવાબ. કહ્યું, નિર્ભયા કેસમાં અમે કોઈ વિલંબ નથી કર્યો. ફાંસી આપવામાં દિલ્હી સરકારની કોઈ ભૂમિકા નથી. નિર્ભયાની માતાએ કેજરીવાલ પર કર્યા હતા આડકતરા પ્રહાર. નિર્ભયાના દોષિત પવનના પિતાએ સાક્ષી સામે ફરિયાદ નોંધાવવાની માંગ કરી. નિર્ભયાના મિત્ર અને સાક્ષી સામે ફરિયાદ નોંધાવવાની માંગ. પૈસા લઈ અને ન્યૂઝ ચેનલમાં ઇન્ટરવ્યુ આપવા પર ફરિયાદની માંગ કરી છે. નિર્ભયાના આરોપીઓને લઈને રાજકારણ. કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ આપ સરકાર પર લગાવ્યું નિશાન. કહ્યું કે નાબાલિગને સિલાઈ મશીન અને 10,000 રૂપિયા કેમ આપ્યા હતા. સ્મૃતિ ઈરાનીએ સવાલ કર્યો કે 2018માં સમીક્ષા અરજી રદ થયા બાદ કેજરીવાલ સરકાર હેઠળ આવતું જેલ વિભાગ ઊંઘમાં હતું. આરોપી કિશોરને સરકારે સિલાઈ મશીન અને કેમ આપ્યું. શું તમને નિર્ભયાની માતાના આંસુ ન દેખાયા. સબરીમાલા ધાર્મિક મામલા મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના સેક્રેટરી જનરલ સાથે વકીલોની બેઠક. પક્ષકાર વકીલોએ દલીલ માટે 10-10 દિવસનો સમય મળશે. હવે 3 ફેબ્રુઆરીએ સુનાવણી હાથ ધરાશે. એનપીઆર મામલે ગૃહમંત્રાલયની મહત્વની બેઠક. ગૃહમંત્રાલયની બેઠકમાં તમામ રાજ્યોએ લીધો ભાગ. પશ્ચિમ બંગાળના અધિકારીઓ બેઠકથી રહ્યા અડકા. ગૃહમંત્રાલયની કોન્ફરન્સનો પશ્ચિમ બંગાળે કર બહિષ્કાર. એનપીઆર મુદ્દે આગામી રણનીતિ પર બેઠકમાં વિસ્તૃત ચર્ચા. કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય હાજર. કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ અજય ભલ્લા બેઠકમાં હાજર રહ્યા તો મુખ્ય સચિવો, વસ્તી ગણતરી ડિરેક્ટર્સ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું. હાલ રોકાઈએ છીએ એક બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. 100 ન્યૂઝમાં આગળ વધીએ. ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા 20 જાન્યુઆરીએ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનશે. આ પદને લઈને તેઓ પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના છે. તેમની સામે કોઈ ઉમેદવાર ફોર્મ નહીં ભરે જેથી નડ્ડાનું નામ નક્કી છે. નડ્ડાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા બાદ પીએમ મોદી અને અમિત શાહ દિલ્હી ભાજપ કાર્યાલય ખાતે કાર્યકરોને સંબોધશે. સૂત્રોના મતે પ્રધાનમંત્રી મોદી, કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથસિંહ, નીતિન ગડકરી સહિત સમસ્ત ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ હાજર રહેશે. દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપની 57 બેઠક ઉમેદવારોની યાદી જાહેર. ભાજપની યાદીમાં 80 ના 11 ઉમેદવારોનું નામ મળ્યું છે, જ્યારે કે 4 મહિલાઓને પણ ભાજપે ઉતાર્યા મેદાને. આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાનાર બાગી નેતા પણ ભાજપે પસંદગીનો કળશ જોડ્યો છે. ભાજપે કપિલ મિશ્રાને મોડલ ડાઉનથી ટિકિટ આપી છે. જોકે કેજરીવાલ સામે ભાજપે હજી કોઈ ઉમેદવાર જાહેર નથી કર્યો.
अनुच्छेद 370 अंगे लोकोने जागृत करवा मोदी कैबिनेट फरी जशे कश्मीर। मार्च थी शुरू थशे मुलाकातों दौर। प्रथम मुलाकात में 36 केंद्रीय मंत्री कश्मीर जशे अने लोकोने 370 अंगे समझण आपशे। आगामी 20 जानुआरी मळशे भाजपना प्रदेश प्रमुखोनी बैठक। दिल्ली मुख्य कार्यालय में बैठक नु आयोजन। संगठन सचिवों राज्यों कोर समूह बैठक में रहेशे हाजर। भाजपना कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डाए राहुल गांधी ने फेंक्यो पड़कार। कहूं कि राहुल गांधी सीएए विरुद्ध 10 लाइन बोली ने बतावे। राहुल गांधी कोईपण जानकारी विना बात करे छे, जे देश माटे दुर्भाग्यपूर्ण। सीएए एनपीआर मुद्दे बोलिया छत्तीसगढ़ ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहूं अमित शाह कहे छे कि क्रोनोलॉजी छे। नरेंद्र मोदी कहे छे कि एनआरसी लागू नहीं थाय। सवाल छे कि प्रधानमंत्री साचा कि गृहमंत्री साचा। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री वच्चे पिसाई रह्यो छे देश। केरळना रस्ते पंजाब सरकार। विधानसभा में सीएए विरुद्ध प्रस्ताव पास। आम आदमी पार्टी ए प्रस्ताव नु कर्यु समर्थन। अकाली दल और भाजप प्रस्ताव विरुद्ध में। सीएए विरोध में थे हिंसा मामलो सोसायटी रडार में आ सके। 15,000 से 20,000 लोग प्रदर्शन दरमियान तमाम फूटेज ने थे चकासणी। गैरकायदेसर एकठा थया बदल कलम 149 अंतर्गत थे कार्यवाही। महात्मा गांधीए भारत रत्न आपवानी अरजी सुप्रीम कोर्ट रद्द करी। मुख्य न्यायमूर्तिए कहूं राष्ट्रपिता आ सम्मान थी खूब ऊंचे छे। महात्मा गांधी ने भारत रत्न आपवा केंद्र सरकार आदेश करे थी कराई हती अरजी। संघना एजेंडा विषे बोलिया मोहन भागवत। बे बाळकोनो कायदो संघनो हवे पछीनो एजेंडा। बे बाळकोना कायदा अंगे सरकार निर्णय ले। काशी मथुरा संघना एजेंडा में नथी। राम मंदिर मुद्दे बोलिया मोहन भागवत। राम मंदिर मुद्दे ट्रस्ट नु निर्माण थाय त्यां सुधी ज भूमिका। ट्रस्ट बन्या बाद संघ मंदिर निर्माण थी अलग थशे। साई बाबाना जन्मस्थल मुद्दे विवाद। पाथरी ने जन्मस्थल दर्शावा बदल नाराज थया शिर्डीना लोको। महाराष्ट्रनी उद्धव सरकारे महाराष्ट्रना पाथरी ने साई बाबानु जन्मस्थल दर्शावी फाड्या छे 100 करोड़ रूपया। शेडीना लोकोनु कहेवुं छे के सरकार पाथरी ने 100 जग्याए 200 करोड़ आपे तेनाथी कोई आपत्ति नथी, परंतु पाथरी नी ओळख साई जन्मस्थल तरीके न थई शके। साई बाबाए शेडी आव्या बाद पोतानुं साचुं नाम गाम जाति धर्म विशे क्यारेय नथी करी वात। सपाना नेता आजम खानना पुत्रनी वधी मुश्केली। सुप्रीम कोर्टे आप्यो झटको। हाईकोर्टना निर्णय पर रोक लगावा सुप्रीम कोर्टे कर्यो इनकार। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत विरुद्ध एफआईआर दाखल करवानी मांग। पेरियार पर कथित टिप्पणी करवाने लेने द्रविड विदुथलाई कसगमना सभ्यों एफआईआर दाखल करवा मांग करी। एमेजॉन मामले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयले करी स्पष्टता। कहूं कि मारा निवेदन ने एक आधार तरीके रहू जोईए। एमेजॉन रोकाण करीने भारत पर कोई उपकार नहीं करतु। रोकाणकारों देश में स्वागत है, परंतु रोकाण हमेशा कायदा नियमों अंतर्गत थव जोईए। यूरोपियन यूनियन फॉर फॉरेन अफेर्स एंड सिक्योरिटी पुलिस ना उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी ने मळ्या। जोसेफ बोरेल नी साथे अन्य अधिकारी पण रह्या हाजर। अनेक मुद्दे चर्चा। चीन में फैलायेला जीवलेण वायरस मुद्दे भारत सरकार की एडवाइजरी। चीन ना प्रवास में केटलीक सावधानी माटे सूचन। वायरस ना कारणे श्वसन तंत्र संबंधित थाय छे समस्या। चीन ना आरोप विभागे सायरस माटे सी फूड ने जवाबदार गणाव्यू। चीनवासियों ने थोड़ो समय सी फूड न खावा आपे सलाह। थाईलेंड अने जापान में पण प्रयास कर्यो। अमेरिका और चीन वच्चे लांबा समय थी चाली रहेली ट्रेड वॉर ने कारण चीन ने मोटू नुकसान। चीन में घटी ग्राहकों की मांग। छेल्ला 3 दशक करता सौथी निचला स्तरे पहुंच्यो जीडीपी। छेल्ला 30 वर्ष में पहली बार आवी स्थिति। 1993 मुंबई बॉम्ब धड़ाका फरार थयेलो आतंकी जलीस अंसारी झड़पायो। पुलिसे कानपुर थी आतंकी ने करी धरपकड़। देश में भागवानी पिराक में हतो आतंकी जलीस अंसारी। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ना पेट में रेड़ायू तेल। कलम 370 हटाया बाद इमराने फरी आलाप्यो कश्मीर राज। कहू विश्व कश्मीर में चाली रहेला संघर्ष पर ध्यान नहीं आपत। कश्मीर मुद्दे यूएन में समर्थन न मळता इमरान खान उश्किराया। इमरान खाने वधु में कहू कि दुर्भाग्य थी पश्चिमी देश माटे व्यावसायिक हित वधु महत्वपूर्ण। भारत मोटू बजार छे माटे ज कश्मीर मुद्दे ठंडी प्रतिक्रिया मळी। पीओके में लोगों ने निर्णय करवा दो कि तेमने पाक साथे रहेवू छे के आजाद थवू छे। इंटरनेट नी आजादी ना मामले पाकिस्तान सौथी खराब देश। 181 देशों ने सर्वे में कराया हता सामेल। आंतरराष्ट्रीय सर्वे में पाकिस्तान ने 10 में से 7 नंबर मळ्या छे। विविध 5 मापदंडों आधारे करायो हतो सर्वे। आ साथे ज बुलेटिन मां रोकाईए छे एक ब्रेक माटे। हंड्रेड न्यूज में आगे।
ईरान अने अमेरिका पर आक्रमकता थई ओछी। अमेरिका साथे ईरान नथी इच्छतु युद्ध। अमेरिका ना हुमला बाद ईरान आपी रह्युं हतुं धमकी। ईराने कह्युं अमे अमेरिका साथे युद्ध नथी इच्छता। ईरानना मिसाइल हुमलामां 11 अमेरिकी सैनिक थया हता घायल। अमेरिकानी केन्द्रीय कमाने करी हती पुष्टि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पे कह्युं हतुं हुमला नथी थई, कोई जानहानि। बन्नेना निवेदन अलग अलग। मध्यप्रदेशना इंदौरमां नगरपालिकाए गैरकायदेसर बिल्डिंगने तोड़ी पाड़ी। न्यायनगर एक्सटेंशन कॉलोनीमां 4 माळनी गैरकायदेसर बिल्डिंगने कराई जमीनदोस्त। हिमाचल प्रदेशना लाहुल स्पीति जिल्लामां हिमवर्षाने कारणे जनजीवन अस्तव्यस्त। हिमवर्षाने कारणे वाहन व्यवहार ठप। एक बीमार व्यक्तिने हॉस्पिटल सुधी पहोंचाड़वा पोलीसना जवानोए साथ आप्यो। भारते बीजी वनडेमां कांगारूने 36 रने हराव्यो। राजकोटना खंडेरी स्टेडियम खाते भारते पहलीवार जीत मेळवी। 3 वनडे सीरीजमां 1-1 बराबरी। त्रीजी वनडे रविवारे बेंगलुरुमां रमाशे। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने मळवा माटे 5 दिवस फूटपाथ पर सूतो रह्यो फैन्स। फैन्सनो आवो प्रेम जोई पूजा हेगड़े भावुक थई। पूजा हेगड़े फैन्स ने खुशी आपी अने फैन्स साथे वीडियो इंस्टाग्राम पर मूक्यो। कश्मीरी पंडितों पर बनेली फिल्म शिकारा सौ प्रथम कश्मीरी पंडितों ने बतावशे। फिल्म में वधु विनोद चोपड़ा ने 4000 कश्मीरी पंडितों पास एक्टिंग पण करावी छे। 7 फेब्रुआरी रिलीज पहला कश्मीरी पंडितों माटे कराशे पहलू अने स्पेशल स्क्रीनिंग। अनु मलिक ने सेक्सुअल हेरेसमेंट केस में राहत। नेशनल कमीशन फॉर वुमने अनु मलिक नो विरोध नो सेक्सुअल हेरेसमेंट केस कर्यो बंद। फरियादी केस में पुरावा लावे तो केस थई शके छे ओपन। पंगा फिल्म नो रिचा चड्ढा नो मीनू तरीके नो कबड्डी प्लेयर तरीके नो लुक आव्यो सामे। पंगा में रिचा चड्ढा एक कबड्डी प्लेयर ना रोल में छे। फिल्म में तेनो रोल एक एवी महिला नो छे जे सशक्त छे अने तेणे पोतानी लाइफस्टाइल खुद पसंद करी छे। आ उपरांत स्पोर्ट्स ने पोतानुं करियर बनावा इच्छे छे। कबीर खान ने फिल्म 83 ना टीम इंडियाना 7मा खिलाड़ी नो लुक रिलीज। दिनकर शर्मा कीर्ति आजाद ना रोल में मळशे जोवा।